हेलो, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और उठ गई थी मैं बहुत देर पहले ही। मम्मी गई थी 6:30 बजे, तो मैं तभी उठ गई थी। हाँ बेटा, गाना लगा दूँ? लगा रही हूँ। लो लो, दो वो दे दो, दो। मम्मी गई थी 6:30 बजे, तो मैं तभी से उठी हुई हूँ। और दीयू भी 7 बजे के करीब उठ गई थी, तो हम दोनों खेल रहे थे एक दूसरे के संग। अभी जैसे उसने फ़ोन लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट कर लूँ, क्योंकि 2 दिन से जो मेरा व्लॉग है वो दोपहर से या फिर शाम को शुरू हुआ था कल, तो आज मैंने अपना व्लॉग सुबह ही स्टार्ट कर लिया है। तो देखते हैं आगे क्या क्या करती हूँ, तो आप लोगों के संग शेयर ज़रूर करूँगी। और मुझे पता है, तो शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मेरा ट्राईपॉड था ना, छोटू वाला कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही था, तो छोटू वाला जो मेरा ट्राईपॉड है वो टूट गया है। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये टूट गया है। इसमें ये तीन होती है ना स्टिक, ये तीन स्टिक होती है, ये दो रह गई है। तो इसको टिकाने में जो है ना बड़ी दिक्कत हो रही है पकड़ने। हाँ, होल्ड करके मैं वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन जो टिका के और मतलब स्टैंड करके इसको अच्छे से वीडियो जो बन जाती है वो नहीं बन पाएगी। तो देखते हैं क्या करती हूँ, एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे 2-3 दिन, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया है ट्राईपॉड का, और वो मे बी 27-28 को डिलीवर हो जाएगा। तब तक के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो चलिए करते हैं कुछ काम, और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। Thank you.
हेलो, तो आपको पता चल गया होगा मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पर। अभी बज रहे हैं 12:15। मैं आ गई, आई थी 10:30 बजे के करीब मैं आई थी। नाश्ता हो चुका है सब लोगों का और मम्मी कर रही है दियो की मालिश, उसको नहलाने की तैयारी। और अभी आप लोगों ने देखा कि दियो कितना ज़्यादा तहलका मचा रही थी, तो वो ऐसे ही करती है रोज। वो जो बेड की फर्स्ट वाली ड्रॉर है उसको ऐसे ही सामान निकालती रखती रहती है, फेंकती रहती है। तो ये उसका रोज का काम है। और मम्मी के जितने भी स्पैक्स हैं उसने सभी लूज कर दिए हैं, वो सारी डंडी खींच खींच के। तो मम्मी का तो ये बहुत नुकसान करती है। और मैं लेटी थी बस जस्ट आके, मुझे आ रहा है बहुत ज़्यादा आलस, पता नहीं क्यों नींद नींद आ रही है। शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी नहाई नहीं हूँ, और पता नहीं क्यों। तो चलिए दिखाती हूँ दीव क्या कर रही है। तो मैं आ गई हूँ घर पर, दीव वहीं पर है। मुझे थोड़े से काम करने थे, पानी का टाइम हो रहा है क्योंकि 1 से 2 के बीच में पानी आता है, तो मुझे अपने थोड़े से काम निपटाने थे। मैं आ गई हूँ और आके मैं नहाई हूँ, थोड़े से कपड़े धोए हैं और अभी अंदर आके बैठी हूँ। फैन चलाया बाहर वाले रूम का, तो पता चला कि उसका कनेक्शन मैंने इन्वर्टर से नहीं करवाया है। लाइट्स वगैरह सब जलती है लेकिन फैन का करेक्शन करवाना भूल गई, तो मैं अंदर आके लेटी हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है पंखे के नीचे लेट के। धूप इतनी ज़्यादा तेज हो गई है ना कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। घर से पैदल आई हूँ तो और ज़्यादा थकावट हो रही है। अब पैदल आने का कोई रीज़न नहीं है कि रिक्शा नहीं मिला या फिर वॉकिंग हो जाती मेरी, ऐसा कोई रीज़न नहीं है क्योंकि जो मेरा घर है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो दीव के खिलौने, बॉल। पता है उसको बॉल का बहुत शौक है, वो बाजार में बॉल देख लेती है, उस पर होती है ऑलरेडी, वो फिर भी ले आती है। दो दो बॉल यहाँ पर है, दो बॉल नीचे है,
और कितनी सारी तो खराब हो चुकी है, तो उसको कई चीजें तो ऐसी हैं कि वो रिपीट कर देती है। तो करती हूँ आराम, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। मैंने कर लिया है रेस्ट और मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ के दीव को ले आऊँ। और बस, और आज मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मेरी वॉइस आपको कैसी आ रही थी। इस वक्त यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं ईयरफोन को, लेकिन पहले जो भी वॉइस है वो मुझे बताना कि कैसी आ रही थी, तो मैं रेगुलर यूज़ किया करूँगी ईयरफोन का। और मैं कोशिश अभी भी कर रही हूँ कि मैं तेज़ ही बोलूँ, बट क्या करूँ। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलती हूँ कल आपसे विद अनदर व्लॉग। तब तक के लिए बाय।